देश का युवा फिल्म देखकर रोकर बाहर निकल रहा है। 1990 का दर्द सामने आ रहा है, पर उनसे बड़ा दर्द यह है कि 32 साल के बाद कश्मीरी हिंदुओं को यह भारत सरकार अपने घरों में बसा नहीं पाई। 32 साल में 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार, 5 वर्ष नरसिंह राव, 10 वर्ष मनमोहन सिंह और 12 साल भाजपा की सरकार, अटल जी 5 साल, 7 साल नरेंद्र भाई। मानी भारत की 15 लाख की आर्मी और 40 लाख करोड़ का जिनके पास एनुअल बजट है, वह माइटी शक्तिशाली भारत की सरकार 4 लाख हिंदुओं से उनका घर छीनने के बाद उनको वापस बसा नहीं पाई है। हमारी मांग है कि तत्काल कश्मीरी हिंदुओं को घर में बसाओ, उनकी छीनी हुई संपत्ति मुसलमानों से वापस दिलाओ। प्रत्येक कश्मीरी हिंदू को वापस बसने के लिए केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपया दे और फिर से भारत कश्मीर न बने, भारत फाइल या उत्तर बिहार फाइल बनानी न पड़े। इसलिए कॉमन सिविल कोड और 2 से ज़्यादा बच्चों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया जाए। यदि सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं को अपने घरों में नहीं बसाया तो हम चलो कश्मीर का नारा देकर कश्मीर जाएंगे। एक तो धारा 370 हटाना, ये बहुत ज़रूरी, लंबे समय से लंबी और हिम्मत का काम था, इसलिए अभिनंदन देता हूँ। कश्मीरी हिंदुओं को नहीं बसाया उनकी विफलता है, मैंने सफलता के लिए अभिनंदन भी दिया, विफलता का झंडा भी उठाया। दूसरा, देश में गरीब गरीब बनता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश में आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। मैं कहूँगा कि इमरजेंसी के लेवल की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल सिचुएशन इज एट लेवल ऑफ इमरजेंसी, उनको तुरंत एड्रेस करना चाहिए, उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। फल, सब्जी, दूध, अन्न और देश में लोगों की आमदनी घट रही। मैंने कहा गरीब गरीब बन रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आमदनी घट रही, 10,000 थी उनकी 8,000 हो रही, और उनके कारण पिछले 2 वर्षों में 22,000 लोगों ने कर्ज से आत्महत्या की, वह सरकार के आंकड़े 22,000। तो उनको गंभीर स्थिति मानकर, लास्ट अवेकनिंग कॉल मानकर सभी राज्य और केंद्र सरकारों को देश में गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान और महंगाई मुक्त गृहिणी, उनके लिए आवश्यक इकोनॉमिकल पॉलिसी में परिवर्तन करना चाहिए। हम पूरे देश में ये 4 मुद्दों को लेकर देशव्यापी जन जागरण करने वाले हैं, गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान और महंगाई मुक्त गृहिणी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।